खबर रीवा जिले से है, जहां 3 दिवसीय प्रवास पर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह रीवा पहुंचे हैं। जहां कांग्रेसियों ने राजनिवास में स्वागत किया, वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के आवास पर जाकर नेता प्रतिपक्ष ने सौजन्य मुलाकात की है। नेता प्रतिपक्ष रीवा जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे और यहां सक्रिय नेताओं के साथ साथ आम जनता से चर्चा करेंगे। रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने सीडी कांड मामले में साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनौती है कि वह उनकी कमियों को उजागर करे। जिसे हत्या पर विश्वास है उसे कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि उनके पिता मेरे पारिवारिक मित्र हैं, उन्हें खुला चैलेंज है। शराबबंदी को लेकर उमा भारती के द्वारा किए गए बयानबाजी पर गोविंद सिंह ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। साथ ही रीवा में हुए प्लेन क्रैश मामले में कहा, कोहरे के दौरान जिसने भी परमिशन दी उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। आइए सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष ने और क्या कहा है। उन्होंने कहा कि आपके काले कारनामे की लिस्ट वो तैयार कर रही है और साधी प्रज्ञा, उन्होंने कहा कि आपके आपके काले कारनामे की लिस्ट तैयार कर रही है और बहुत जल्द प्रस्तुत करने वाली है। मैं उनको चुनौती देता हूं और वो लहर की हमारे क्षेत्र की रहने वाली है, पूरा क्षेत्र और उनका इलाके के लोग सब जानते हैं। जो लोगों के हत्या में जिसका विश्वास हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि उनके पिताजी हमारे साथी थे, मित्र थे और पारिवारिक संबंध थे। आज वो सत्ता के मद में मदान हो गई है, इसलिए जो उनको कहना है कहें। करें, खुशी की बात है, मैं उनका स्वागत करूंगा। स्वागत करेंगे, अगर गलत आरोप लगाया तो उनके न्यायालय में जाने से पीछे नहीं जाएंगे। अक्सर वो शराबबंदी को लेकर के धरना प्रदर्शन करती रहती है, क्या उनकी सरकार की? अब उसके बारे में कुछ नहीं बोलता, जिसका जो विश्वसनीय है नहीं महिला हो उसके बारे में क्या बात। कोहरा पड़ रहा है इसलिए पूरा था, उस समय परमिशन देना उचित नहीं है। अगर एयरपोर्ट वालों ने परमिशन दी है तो इसकी जांच होनी क्यों चाहिए? अगर हमारे एक पायलट जो देश के भविष्य के लिए अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था और उसकी मौत हुई, वह दुखद है। मैं उनके सुख संवेदना व्यक्त करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें, उनकी आत्मा को शांति पहुँचाए। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।